माई नेम इज़ मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस, मेरे पास है पार्क एवेन्यू की ये डियो, जिसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो डियो बॉटल है, ये मेरे हस्बैंड की बॉटल है गाइस। एंड बॉटल की जो प्राइस है, ये रिटेल होती है ₹4.99, 299 रुपये की इसकी प्राइसिंग है, 300 रुपये से 1 रुपया कम है। और वज़न है इसका 235 ml/178 grams इसका वज़न है गाइस। और ये वाइट कलर की बॉटल है एंड ये वोएज, ये वो वाला वर्जन है गाइस। आई गेस इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, तो ये वो वर्जन है। परफ्यूम स्प्रे है, चार्ट न्यू सीज ये लिखा हुआ है एंड ये पार्क एवेन्यू सिग्नेचर कलेक्शन है। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये गैस कंटेन करता है, ये गैस फ्री प्रोडक्ट नहीं है। खुशबू की बात की जाए तो मैं आपको स्प्रे करके बता भी देती हूँ, मतलब खुशबू भी इसकी लाइक एक ओके खुशबू है। मतलब इतनी वो नहीं है कि मतलब आपने लगा लिए तो आप कहीं निकल रहे हो तो आपका कंपेनियन जो एकदम से ब्लो आउट हो जाए खुशबू से एंड ऑल। खुशबू भी एक ओके है, डिसेंट सी है, इतनी फैंसी सी इसकी खुशबू नहीं है। गैस कंटेन करता है तो ज़्यादा लास्ट भी नहीं करती है, मतलब ये 1 से 2 घंटा, मतलब 1 घंटा, मोस्टली 1 घंटा मैं कहूँगी, 1 से 2 घंटा मतलब ये लास्ट करती है गाइस, उससे ज़्यादा ये लास्ट नहीं करती है, फेड आउट हो जाती है उसके बाद। ये प्रोडक्ट जो है, मतलब ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि हस्बैंड ने भी इसे थोड़ा टाइम यूज़ करके फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया ये प्रोडक्ट, ही इज़ नॉट यूजिंग इट एनी मोर। तो हमने इसे एज अ रूम स्प्रे की तरह हम इसे जो है यूज़ कर रहे हैं अभी गाइस, एज अ रूम फ्रेशनर इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट नहीं करता है, 1-1.5 घंटे से ऊपर ये लास्ट नहीं करता है गाइस, तो इस वजह से। एंड पार्क एवेन्यू का प्रोडक्ट है, पार्क एवेन्यू एक बहुत ही नामचीन ब्रांड है दोस्तों मेन प्रोडक्ट्स में, बट इस मामले में थोड़ा सा ये फेल हो चुका है जो हमने एक्सपीरियंस किया है। कोई भाई बंधु मुझे देख रहे हैं या कोई महिला भी मुझे देख रही है, तो आप अगर पूछेंगे कि अगर ये ना खरीदे तो कौन सी खरीदे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस में और अपने हस्बैंड के एक्सपीरियंस में यही कहूँगी कि जो एक्स सिग्नेचर डिओड्रेंट्स आती है, दे आर रियली दी बेस्ट। एक्स सिग्नेचर की जो इंटेंस डिओड्रेंट है, जो चैम्पियन वेरियंट है, इंटेंस वेरियंट है, दे आर जस्ट फैबुलस गाइज। मेरे चैनल पे इनकी रिव्यूज़ है, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सबके रिव्यूज़ दे दूँगी, लिंक्स दे दूँगी गाइज, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लास्ट करती है, लंबे समय तक लास्ट करती है, तो ये थोड़ी सी मतलब फेल हो चुकी है गाइज, रियली सॉरी टू से। अगर आप पार्क एवेन्यू के फ़ैन हैं तो इसको ना परचेस कीजिएगा, आपको बिल्कुल ये निराश कर देगी गाइज, ठीक है। आपको भी हमारे जैसे ही आपको फिर ऐसा रूम फ्रेशनर इसे यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। यस गाइस, तो ये थी मेरी कंप्लीट रिव्यू और मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया है, इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इस पार्क एवेन्यू के वोएज वर्जन को ना खरीदिए, पैसे लिटरली आपके वेस्ट हो जाएंगे, रूम फ्रेशनर के तौर पर ही आपको काम आएगा फिर, ठीक है गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिव्यू जो है पसंद आई और आपको ये रिव्यू डेफिनेटली काम भी आएगी गाइस, आपके पैसे डेफिनेटली बचेंगे, तो ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है इस पार्क एवेन्यू के डिओड्रेंट के रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में और डेफिनेटली लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को दोस्तों। राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है आपके स्क्रीन पर, तो उसे ज़रूर दबाइए, साथ में आपको एक घंटी भी नजर आएगी, उस पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जो भी वीडियो डालूँगी आप तक पहुँचनी भी चाहिए ना, आपको पता कैसे चलेगा फिर मैं वीडियो डाल रही हूँ। एंड येस गाइज, मेरा एक और चैनल है जो कि है डेली टिप्स, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। DIYs एंड कुकिंग की वीडियोस में वहाँ डालती हूँ, तो उस चैनल पे भी ज़रूर जाइए, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसे तो मत खरीदिए, ठीक है गाइज। आप सभी को अगली वीडियो में, लव यू ऑल गाइज, बाय।